हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल के बारे में, जो कि एक काफ़ी स्ट्रांग शेयर है और बहुत अच्छी रैली दिखाई है। 3 to 4 months बैक इसका रेट था सिर्फ 60 रुपीज़, और आज ये आज देखेंगे आप तो 182 रुपीज़ तक चला गया था, और आज का क्लोजिंग था इसका 160 रुपीज़। मिर्ज़ा इंटरनेशनल रेड टेप शूज़ बनाने वाली और काफ़ी लेदर प्रोडक्ट्स जैसे कि बेल्ट, वॉलेट्स, ऐसे काफ़ी चीज़ें बनाती है, पर्सेस। और इनका इंडिया में 58% सेल है, रेवेन्यू है, बाकी एक्सपोर्ट से आता है जो कि ज़्यादातर यूएसए और यूके मार्केट से आता है। इनके ऑल ओवर इंडिया खुद के शोरूम्स भी हैं, और काफ़ी शू वेयर जो सेल करने वाली जो रिटेलर्स हैं उनके पास भी इनके आपके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे मिर्ज़ा इंटरनेशनल के। इसका आज का क्लोजिंग था 160 रुपीज़ एंड 52 भी कहा था 182 रुपीज़। इसका पी है 21 का, जो कि काफ़ी अच्छा है, एंड ईपीएस है 7.50 का, वो भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.17, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रोमोटर होल्डिंग है 68% और प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर में, ये कि पॉजिटिव बात है। एफआईआई के पास है 2.80%, एनडीआई के पास है 0.4%, तो एफआईआई डीआई का भी होल्डिंग इसमें बना हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर रिजल्ट भी शानदार दिया है कंपनी ने। दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 15 करोड़, सितंबर 21 में प्रॉफिट था 27 करोड़, एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 43 करोड़। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट अच्छा दे रही है। अब सवाल ये आता है कि इसमें करना क्या है। फ्रेंड्स, जो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं मिर्ज़ा को, और जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, जिनके पास मौका छूट गया है, उनको बताना चाहूँगा कि पिछले एक महीने में ये शेयर 140 के नीचे गिरने को तैयार नहीं है। तो 140 के आसपास ये शेयर आता है तो आप क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब इतना गिरा, 15,600 तक गया था, जब भी ये 140 के नीचे जाने को तैयार नहीं था शेयर, और मार्केट जैसे ही रिकवर हुआ तो आपने देखा बहुत फास्ट इसमें मूवमेंट देखने को हमें मिला था, 140 से सीधा 170 पहुँच चुका था। तो इसीलिए अगर ये फिर से गिरावट मिलती होती मार्केट में, तो आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े शेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब भी हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का शेयर ज़बरदस्त हमें जम देखने को मिलता है। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं, फिर से एंट्री करना चाहते हैं, 145 से 140 के रेंज में अगर आता है तो थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर बाय करके चलिए, या मार्केट फिर से रिकवर होगा तो फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज मार्केट गिरा इसलिए इसमें थोड़ी सी हमें सुस्ती देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली, 160 रुपीज़ में क्लोज हुआ है। बट अभी भी अगर मार्केट चलेगा तो रॉकेट के स्पीड से भागने वाला शेयर है मिर्ज़ा इंटरनेशनल, तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और इनके पास नंबर ऑफ शोरूम्स भी कंपनी बढ़ा रही है, और इसका ग्रोथ प्लान काफ़ी एक्सेलेंट है, और इनका जो मेन मार्केट है यूएसए एंड यूरोप, उसमें पॉजिटिव बात क्या है कि अभी डॉलर का रेट बढ़ने वाला है और बढ़ ही रहा है, तो उसका भी बेनिफिट एक्सपोर्ट होने के कारण इनको मिलेगा आने वाले दिनों में। इसलिए मिर्ज़ा इंटरनेशनल इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, एंड डेफिनेटली क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी आपने देखना चाहिए, बट जो कि अच्छा आने की उम्मीद है। बट उसके पहले भी अगर मार्केट में रिकवरी देखने को मिली तो ये शेयर भी हो सकता है 200 का लेवल भी पार कर जाएगा शॉर्ट टर्म में। इसलिए बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से मिर्ज़ा इंटरनेशनल को ऐड करते रहिए, और जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो लोग इसको ज़रूर होल्ड कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म आफ्टर योर ओन स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।